जिला मंडी के पडल मैदान में गांधी शिल्प बाजार सजाया गया है, जहां देश भर से आए शिल्पकारी संस्कृति से जुड़े कलाकारी पेश कर रहे हैं। बता दें कि शिल्प बाजार में पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और गुजरात समेत 12 राज्यों के शिल्पकारों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। वहीं स्टॉल में हैंड एम्ब्रॉयडरी, शॉल, लेदर बैग सहित कुंदन की ज्वेलरी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जहां शहरवासियों सहित अन्य लोग भी शिल्प बाजार पहुंच रहे हैं। बता दें कि ये बाजार आने वाली 3 दिसंबर तक जारी रहेगा। वहीं गुजरात के कच्छ भुज से आई सरिता ने बताया कि वे हाथ से बने बैग, चादर जैसे उत्पाद लेकर आई है, जो कि मजबूत और टिकाऊ है। जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से लगता है ये गांधी शिल्प बाजार है। इसमें जैसे हर प्रांत से बंदा आते हैं, ये जो आर्टिजन होते हैं ना, हर स्टेट से हैं और हम लोग गुजरात से हैं, तो ये हमारा सारा गुजरात का प्रोजेक्ट है। जैसे ये सारा हाथ से बनता है सर, और ये इसको धो भी सकते हैं आप, वॉशेबल होती है हमारी आइटमें, और ये बहुत मजबूत टिकाऊ चीज़ होती है। इसमें जैसे बेडशीट भी होती है हमारे पास, डबल बेड की चद्दर होती है, दीवान सेट होते हैं, बैग पर्स सब कुछ होता है सर, कुशन्स होते हैं हमारे पास। और यहाँ पर हम पहले भी आ चुके हैं मंडी में, यहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला हुआ है, तो अभी काफ़ी टाइम के बाद हम आए हैं सर। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है सारा, ये सब हम लोग गुजरात से हैं सर। 100 से शुरू होता है सर, 100 रुपये से स्टार्ट होता है। जैसे 100 से 150 है, 250, 350 है, 400 है, बहुत से बहुत 600 है, ऐसे सब इसी प्राइस में सब हमारे भी आइटम होती है सर। हैंडवर्क है, ये चुन्नी है हमारी जो हाथ से बनाई जाती है, ये सारा हैंड स्टिच रहता है। और ये हमारे पास सूट भी है इसमें जो हमने हाथ से बनाए हुए हैं। दुपट्टे को कम से कम 15 दिन लग जाते हैं एक दुपट्टे को बनाने में, और सूट को 1 मंथ लग जाता है। ये देखो बहुत प्यारे प्यारे हमने सूट बनाए हैं, बहुत प्यारी चीज़ है। रेट वाइज कितने कितने के हैं सर? दुपट्टा जो रहता है हमारा 1000 से 1200 रेंज में रहता है, और जो सूट रहता है वो 3000, 3500, 2500 अलग अलग प्राइस के रहते हैं। लोगों का क्या रिस्पॉन्स है इन चीज़ों में? अभी तो सर परसों से स्टार्ट हुआ का, आज पब्लिक आई है बहुत सारी जो देख के गए हैं, उन रिस्पॉन्स तो अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। वहीं पडल मैदान में 10 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार का आयोजन करने वाले दौलतराम ठाकुर ने बताया कि इस मेले में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए व्यापारी अपने राज्य की कला, संस्कृति, परिधान से जुड़े उत्पाद को बेचकर आजीविका कमा रहे हैं। इस तरह के जो प्रोग्राम है ये एक्चुअली जो अच्छे काम करने वाले कारीगर है पूरे हिंदुस्तान से, वो लोग आते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है उनके सामान को बेचने के लिए, और अच्छा मतलब जिनका सामान है उनको हम अच्छी जगह बुलाते भी हैं, और नए नए चीज़ें देते हैं इधर, नई नई चीज़ें बेच सकते हैं ये लोग। हिमाचल के भी है और बाहर से भी, अभी कम से कम कोई 12 स्टेट के लोग आए हुए हैं। इसमें आपने महाराष्ट्र से आए हुए हैं, और यूपी से हैं, बिहार से है, और झारखंड से भी है, और उत्तराखंड से है, पंजाब से है, दिल्ली से है, हिमाचल को तो है थोड़े इधर, तो सारे इस तरह है। तो आप नए नए आइटम ले आ रहे हैं, और नई नई चीज़ें लोगों की तरफ घर में मिल रही है चीज़ें, और लोगों को बेचने के लिए एक अच्छा स्थान मिल रहा है। इनको डीए और फ्रेट चार्जेज दे रहे हैं आने जाने का, जो भारत सरकार सबके लिए अलाउड करती है, जो आर्टिजन कार्ड जिनके बने हुए हैं उनको बेचने के लिए एक माध्यम है। कुल मिला के कितने आर्टिजन हैं? 100 आर्टिजन रहे हैं, 100 के लिए था ये, तो अभी इधर भी 100 लोग आए हुए हैं। तो इस तरह का पहले ही प्रोग्राम कुल्लू में किया था जो बहुत सक्सेसफुल रहा। गौरतलब है कि पडल मैदान में गांधी शिल्प बाजार में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए व्यापारी अपने राज्य की कला, संस्कृति, परिधान से जुड़े उत्पाद पेश कर रहे हैं, साथ ही लोग इन्हें खूब पसंद भी कर रहे हैं और अपने घर ले जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।